वेलकम बैक टू आर न्यू अनदर व्लॉग। तो आज हम आए हैं भाई अजमेर के बकरा मंडी में। वैसे जो बकरा मंडी वो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही दूर है, अराउंड 3-4 किलोमीटर दूर है। तो आज हम आए हैं भाई बकरा खरीदने, क्योंकि कल है ईद एंड कल कुर्बानी होने वाली है अपने घर पर। तो सिंपल है, बकरा लेना है। पहले कुर्बानी जब करते थे तब बकरा हमारा ही होता था, हम ही पालते थे, लेकिन अभी यार कभी हम घूमने चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, तो फिर बकरे की देखभाल कौन करेगा, तो इसलिए फिर अभी ख़रीदना पड़ रहा है। वैसे अभी हम हर साल पहले करते थे कुर्बानी, लेकिन ड्यूरिंग कोरोना पीरियड 3-4 साल से हमने कुर्बानी नहीं की, तो अभी फिर से कुर्बानी करेंगे कल। तो कल तो शायद ही व्लॉग बना पाऊँगा मैं, लेकिन फिर भी आज बकरा ले रहे हैं। तो कौन सा बकरा मंडी के अंदर नहीं जा पाया, क्योंकि ये जो अपनी इनोवा का शीशा है ये ऊपर ही नहीं हो रहा, अब इसको ऐसे खुला छोड़ के कैसे चले जाए, तो फिर मेरे को यहीं पर बैठना पड़ा। पहले मैंने सोचा यार व्लॉग बनाएंगे मंडी में, बट वो लोग नहीं बना सकते यार, क्योंकि ये खुला रहेगा, फिर मेरे को थोड़ा यहीं पे बैठना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर बकरा तो वैसे भी वो लोग में दिखाई दूंगा मैं आपको कौन सा बकरा है। तो मम्मी और पापा और साथ में एक दो जने वो गए हुए हैं साथ में देखने, तो कौन सा पसंद आता है बाद में दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में जो आपने लाइन देखी बकरों की, साइड में लेफ्ट राइट पूरा भीड़ इकट्ठा हो रखा है, वो सिर्फ बाहर मेन रोड पर है। अंदर मंडी के अंदर तो डबल, मतलब कितनी भीड़ होगी ये सोच लो, बाहर इतनी भीड़ है रोड पर, तो अंदर तो मतलब वो अभी मम्मी पापा अंदर ही गए हैं मंडी के अंदर देखने के लिए। अपना बकरा आ चुका है, ये रहा भाई अंदर। हाँ भाई कैसा है? नहीं नहीं यार नहीं गाने, ठीक है। गाइस एक चीज और यार, इतनी परेशानी हो रही है, इतनी उमस है, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा हद तक। पीछे हमारा बकरा एंड इनोवा का एक फीचर और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लास्ट रो है, ठीक है, इनोवा की। इसके पीछे इतना स्पेस है कि आराम से बकरा खड़ा, देखो यहाँ पर अगर अल्टिगा वगैरह और कोई दूसरा एल्कजार भी होती, कोई भी गाड़ी होती, इनोवा के मुकाबले इतना स्पेस उनमें नहीं मिलता। देखो आराम से बकरा खड़ा है भाई बाहर, यहाँ पर ये मेरे को घूर रहा है, देखो कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा, उधर मुंडी कर रखी है, इधर देख इधर देख। अभी रात हो चुकी है और अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने खाना भी खा लिया, फिर तो अभी रात हो चुकी है और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही नहाकर आया था, हेयर कट करवा लिया पापा से। बोल रहे व्लॉग कर, ये ऐसे फोन पकड़ो, व्लॉगिंग करो, व्लॉगिंग करो, व्लॉगिंग करो, बोलो हेलो गाइस, हेलो गाइस। व्लॉगर कैसे बोलते, बोलो गाइस, गाइस और भाई का यूज करना है। ओ भाई पोटी आ रही है, बोल रही है, ओ भाई पोटी हो रही है, ओ भाई पोटी हो रही है। मैं गाइस बार बार व्लॉग में इसलिए दिखाता हूँ, इसकी शैतानी आप देखोगे ना आप खुद पागल हो जाओगे। देखो देखो ये देखो ये देखो, बाबू थोड़ा सा बदमाशी करो। अभी 2-3 दिन पहले तो वहाँ पर उल्टी गिर गई थी, यहाँ पर ये इतना सारा फोड़ा हो गया, इतना सूज गया, बहुत बदमाशी। और जैसे लगी वापस उधम स्टार्ट, बदमाशी स्टार्ट हो गई थोड़ी देर में। देखो ये बाबू बदमाशी ना करो। तो अभी अपने घर के पीछे बकरा बंधा हुआ, उसको लेकर आना है यहाँ पर हॉल में, ठीक है। वो पीछे खुले में सही नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आराम से आज के लिए ऐसे आंगन पे बैठा रहेगा तो काफ़ी सही रहेगा। पीछे अंधेरे में अजीब सा लग रहा होगा, तो यहाँ लेकर आते हैं। ये रहा है अपना बकरा, चलो अंदर चलते हैं, चलो 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 आओ, बिल्कुल बकरी की तरह है, बिल्कुल शांत, चलो आ जाओ, चलो चलो आ जाओ, आइए भाई, ये लग गई, आराम से बापू आराम से, ये बेबी। The next day. So guys, यार आप सभी को ईद मुबारक। एंड यार मैं जल्दी में था थोड़ा, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है इंट्रो नहीं बना पाया, मतलब जो सुबह का हम जैसे कि ईद पढ़ने जा रहे हैं वो चीज़ जैसे बोलनी थी मेरे को वो मैं नहीं बोल पाया, तो हम जल्दी में निकल गए। मैंने सोचा कि बाद में वॉइस ओवर कर लेंगे जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं भाई सुबह ईद की नमाज पढ़ने, एंड फिर आपसे मिलते हैं, सो लेट्स गो।
आवर लेटर। तो अभी हम आ चुके हैं अपने घर वापस और सामने है अपना बकरा। तो यार इस सीन के बाद फिर हमने कुर्बानी की बकरे की, एंड उस सीन को तो मैं आपको बता नहीं सकता है, इसलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। सो गाइस अभी शाम हो चुकी है एंड बकरा कट करते समय मेरे यहाँ पर उंगली में कट लग चुका है। देखो ये साथ में हमारे मुन्ना आड़ू, इधर देख, रो के रोने की एक्टिंग करो, रो कर दिखाओ बाबू रोते कैसे हैं। A few moments later. रात हो चुकी है और अभी देखो अपने घर के सामने लाइट लगाई मैंने, कितना तगड़ा लग रहा है। Yeah. मौसी को लेने गए थे यार, कीचड़ कीचड़ हो रहा है। सो गाइस ईद का अभी यहाँ पर टाइम हो चुका है, यहाँ पर 1 बज चुके रात के, ठीक है। और अभी जो फर्स्ट ईद थी वो उसका दिन गया, अभी दूसरे दिन की ईद है। मतलब जो ईद होती है वो 3 दिन की होती है ना, तो अभी ये दूसरी ईद चल चुकी है, यानी कि कल दूसरी ईद है, फिर तीसरी ईद है। कुर्बानी कर सकते हैं 3 दिन तक, ठीक है। अगर पहले दिन कुर्बानी नहीं हो सकी तो दूसरे दिन कर सकते हैं, दूसरे दिन नहीं हुई तो तीसरे दिन कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे नाना 3 भाई हैं, ठीक है, तो हमारे पहले हो गई, फिर जो मेरी मम्मी के बड़े पापा हैं उनके फिर कल परसों होगी शायद। तो ऐसे मतलब 3 दिन तक आरी बारी कुर्बानी होगी। फर्स्ट दिन हमारे हो गए, फिर दूसरे दिन और किसी को, फिर तीसरे दिन और किसी हो गए। तो ऐसे रिलेटिव में और भी कुर्बानी होगी, तो वो व्लॉग तो मैं नहीं बना सकता, मैं अपना घर का व्लॉग बना लेता हूँ और मैंने आपको व्लॉग बनाकर दिखाया भी है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड मैं कोशिश करूँगा ऐसे थोड़े भांजी के मेरे जो है व्लॉग लेके आता रहूँ, क्योंकि ये काफ़ी बदमाशी करती है। तो थोड़ी ये जब बोलने लग जाएगी तो और भी मज़ा आएगा, क्योंकि ये जब बोलने लगेगी तो काफ़ी मज़ा आएगा। आप खुद सोचो कि जब छोटी है कोई कुछ चीज़ बोलेगी तो उसको अच्छे से तो बोलना आएगा नहीं, उल्टा और डबल मज़ा आएगा। तो उस टाइम पर व्लॉग बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। एंड गाइस एक चीज़ और मेरे को यहाँ पर पता चली कि मैं जब इस व्लॉग को एडिट कर रहा था तब मेरी सिस्टर ने आके मेरे को बताया कि कल हम कहीं घूमने जा सकते हैं, मतलब अजमेर में ही कहीं घूमने जा सकते हैं हम। तो इस व्लॉग के बाद आपको एक और व्लॉग देखने को मिल सकता है, हम कहीं पर भी, मतलब हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं ना उनको लेकर हम कहीं पर भी घूम सकते हैं अजमेर के अंदर। मैं वो जगह आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो कन्फर्म नहीं है, बारिश का मौसम है, बारिश ज़्यादा तेज हुई तो हम शायद ही जा पाए, लेकिन अगर गए तो व्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने ऑलरेडी व्लॉग बनाया था एक बार, बट पता नहीं किसी रीज़न की वजह से वो व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया। और चलो फिर कल देखते हैं कि चलते हैं या नहीं। तो आपको बोर नहीं करूँगा, इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है, बाय बाय।